अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं अल गफूर ग्रैंड सिटी, जो कि काफी अरसे से हम आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं सके थे। भाई अगर मेरी आवाज थोड़ी सी कम आ रही हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो है वो जोर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत चीख चीख के बात कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आ गया है अल गफूर, और ये आ गया इसका बुकिंग ऑफिस, और ये आ गई सोसाइटी। तो अभी हम आपको अंदर जाके सोसाइटी में भी जाके विजिट कराएंगे कि काफी हद तक जो है वो काम हो चुका है यहाँ पर, और फिर आपसे मिलते हैं आगे जाके। तो गाइज हम अभी आ गए हैं अल गफूर ग्रैंड सिटी के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, जबरदस्त यार, बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है भाई, यहाँ तो बहुत जल्दी काम हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। और ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और सेकंड की भी छत डल चुकी है भाई। तो और ये बराबर वाला जो है ये अपना मेरे ख्याल से ये वन है, ये टू है, ठीक है ना, टावर वन टावर टू, तो टावर टू की भी जो है वो ग्राउंड डल गया है और जो है वो छत डल चुकी है। तो काम तो यहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है, और फिर भी अभी भी चल रहा है और रुक ही रहा है, और रुक नहीं रहा है। अच्छा जी, सामने जो है वो शॉप वगैरह जो है वो भी जो है वो तकरीबन बन चुकी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, करीब से चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम शॉप्स। ये देखिए, अच्छा जी, ये शॉप्स जो हैं ये आ गए हैं, बुनियाद जो है वो सबकी डल चुकी है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक तकरीबन बन भी चुकी है, और बहुत ही ज्यादा तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर, हर चीज पे चल रहा है। आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जो है वो 2-3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सामने बुकिंग ऑफिस नजर आ रहा होगा, ये वही रोड है जहाँ से एंट्रेंस था, लेकिन अभी यहाँ से एंट्रेंस हटा दिया और एंट्रेंस जो है वो सामने बराबर वाला कर दिया है, क्योंकि इधर भी शॉप्स होंगी उधर भी शॉप्स होंगी और बीच में एंट्रेंस डालेंगे। ये ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन की भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 छतें डल चुकी हैं और चौथी के ऊपर भी काम चलेगा। बराबर वाला जो है प्रोजेक्ट, वो भी फर्स्ट फ्लोर की छतें जो है वो डल चुकी हैं, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी हम आपको दिखाएंगे चल के, जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे। और विलास भी जो है वो इन्होंने तकरीबन काम स्टार्ट कर दिया है और काफी हद तक जो है वो विलास बन चुके हैं, जो पहले नहीं बने थे वो भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, और आज हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होने के बाद किस तरह का नजर आएगा, ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अच्छा, तो गाइज अभी हम आ गए हैं आपके सामने, चारों के चारों चार चार आठ ब्लॉक हैं, तो 8 के 8 हम लेकर आ गए टावर, ठीक है ना। तो सामने आप देख सकते हैं जिसकी 3 छतें जल चुकी हैं, वो है टावर वन, ये है टावर टू और टावर थ्री, टावर फोर, या टावर थ्री टावर फोर, बहरहाल इसका मुझे अंदाजा नहीं है, टावर फोर है या थ्री है, उसका भी काम जो है वो तकरीबन बराबर दोनों साथ साथ चल रहा है भाई, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ये थोड़ा सा आगे चल रहा है, काम जो है वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये ब्लॉक वन है, ब्लॉक टू की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ब्लॉक टू की सूरत हाल जो है वो टोटल जो है वो मेरे ख्याल से 2 टावरों की जो है बुनियाद डल चुकी है, और एक की तो ग्राउंड फ्लोर की छत डल चुकी है, दूसरे की जो है वो ग्राउंड फ्लोर की छत डलना बाकी है। काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि अभी बीच में बारिशें चल रही थी, आपको भी मालूम होगा कि बारिशों ने बहुत ज्यादा काम खराब किया, जिसकी वजह से हो सकता है काम डिले हो गया हो, क्योंकि मैं बकरे से पहले आया था यहाँ पर तो मैं आपको बता नहीं सका। और अभी जो है सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है कि भाई आप भी देखें और हम भी देख रहे हैं, हमारी नज़र में तो काम सही चल रहा है, बाकी आगे आज देखते हैं क्या है क्या नहीं, विलास भी हम आपको दिखाते हैं चल के, चलिए अब विलास के ऊपर चलते हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं विलास के ऊपर, और विलास भी हम आपको दिखाते हैं कि विलास की कंडीशन क्या है। तो आप ये एक नज़र हमारे पास डालिए, ये देखिए, ये वो विलास हैं जिन पे काम चल रहा था, और अभी जो है वो काम तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, बुनियादें जो हैं इन्होंने वो रख दी हैं, और सामने की तरफ जो थी वो इन्होंने विलास जो है वो तकरीबन खड़े कर दी हैं, विलास वगैरह, ठीक है ना, चलो काम हो गया। और इस साइड पे आपको तो पता ही है, ये जो विलास थे ये उसी टाइम पे कम्प्लीट हो गए थे और फिनिशिंग की साइड पे जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये है कि काम चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं, आपको ये जो सामने नमूने दो खड़े हुए ना, तो इसके अंदर से दिखाते हैं कि आपको आपकी जो ना ये बनने के बाद विलास किस तरह लगेंगे या फ्लैट जो है वो किस तरह लगेंगे, आज हम आपको वो भी दिखाते हैं, चलिए। तो भाई अभी हम आ गए हैं विलास के ऊपर, ये सामने एक सैंपल के तौर पे बनाया गया था, इसकी हम आपको पूरी
पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाते हैं कि ये किस तरह है। ठीक है ना, ये तो पोर्शन है, एक दो तीन चार पाँच इस तरह की पोर्शन है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह का बना हुआ ये, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आओ भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त मार्बल लगी हुई है पूरी। ऊपर से फुल व्यू भी दिखा देंगे ना आपको। बंद हो गया क्या? बंद करा हुआ यार, ये तो बंद कर दिया ये। यार ये हम लोग आए थे इधर, लेकिन ये तो रूम ही लोग जो फिनिशिंग हुई है पूरी पूरी, ये देखें ये तो पूरा रोज है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो है छोटा सा एक वो है, हाँ ड्राइंग रूम या गैलरी जो भी कह सकते हैं आप, ये बल्कि ये ड्राइंग रूम है, वो एक मतलब लाउंज वगैरह, लाउंज तो ये होगा, ये पूरा लाउंज है बहुत बड़ा। ठीक है, इधर किचन भी इधर बनेगा, देखें सामने किचन के लिए भी लाइन है। और एक ये बेडरूम है, सामने अटैच बाथरूम है, और एक ये बेडरूम है, सामने अटैच बाथरूम है, और ये सामने व्यू है इसका, हवा बहुत तेज है, सामने पहाड़ी है। और बाकी छत से भी एक वीडियो बना के देंगे आपको, देखते हैं अगर जा सके तो। भाई अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले विलास पे, आपके सामने नजर आ रहा होगा ये पूरा का पूरा विलास है, ये एक ही बंदे का है, ये एक ही बंदे का है पूरा विलास। ठीक हो गया ना, तो ये असल में इधर थोड़ी सी सफाई चल रही थी, इसकी वजह से हम यहाँ आ नहीं सके। और ये एक टैंक है, और ये इसके साथ जो है वो एक छोटा सा ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है यार। और ये एक टीवी लाउंज है, ठीक है ये टीवी लाउंज है, ये सामने किचन है, किचन भी आप देखें कैसा बढ़िया बना हुआ है। और ये एक फ्रिज रखने की जगह है, और ये ओवन अपना, ये अपना गर्मी को दूर करने के लिए है। और ये चूल्हे आ गए हैं, खुले में रूम, बस यहीं से दिखा दे, छोड़ दे यहीं से दिखा दे, ये सामने रूम आ गया 10x10 का ही होगा तकरीबन। ठीक है ना, और सामने जो है वो बाथरूम है, और ये वॉशिंग एरिया है, और दूसरा वाला रूम जो है वो तकरीबन ज़रा खुला हुआ है, दूसरा वाला रूम भी जो है वो तकरीबन सेम ही बना हुआ है, बस इसके अंदर जो है वो खिड़की दी हुई है। भाई ये आपके सामने है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है, इसके अंदर जो है वो किचन दिया हुआ है, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है वो भी हम आपको दिखाते हैं, चलता आओ। तो भाई ये है आगे है, ये सामने एक थोड़ी सी बालकनी एरिया है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा ये जो ड्राइंग रूम है, ये यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग रूम है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किचन नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम नहीं, लाउंज, सॉरी यार मैं ड्राइंग रूम बोले जा रहा हूँ, ये है ड्राइंग रूम। आप ये देखें ड्राइंग रूम ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें सैंपल है, सैंपल तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता है, ताकि लोग जो है वो अट्रैक्शन के लिए सैंपल बनाया जाता है। ठीक है ना, जितना अच्छा सैंपल होगा उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। और ये एक रूम है, हाय ये एक खिड़की आ गई, खिड़की से सामने वाला आपको विलास नज़र आ गया है, हाय। और ये एक बाथरूम है, बंद हुआ हुआ भाई सॉरी, और इधर भी खिड़की है, मेरे ख्याल से वॉशिंग एरिया जो है वो सिर्फ एक ही है, दोनों में वॉशरूम है और वॉशिंग एरिया नहीं है। तो ये आपके सामने है, और इसके ऊपर छत है, छत यार ये कितने गज का होगा, ये विलास कितने गज का होगा, ये 120 गज की है ये भाई विलास। और ये छत आप देख सकते हैं, छत तो काफी बड़ी है, सोलर पैनल लगाए हुए उन्होंने भाई, तो यहाँ से खड़े हो गए आप जो है वो पूरा सजानी जो है जो है वो प्रोजेक्ट, ये देखें आप सामने आपके टावर आ गए, ये विलास आ गए, एक छोटा सा पार्क आ गया बच्चों के लिए, ये सामने मस्जिद है, और आपके सामने ही शानदार। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो है वो बहुत ज्यादा जोर है, तो बर्बाद नहीं हो पाएगी।
गाइज आपने देख लिया होगा अलगफूर में जो है वो काम माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा हो चुका है और आगे हो भी रहा है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी आप लोगों को पता चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। आखिर में आपको यही कहूंगा, हंसते रहो, हंसते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते बोम।